नमस्कार दोस्तों, इंट्राडे टेक मुंबई में आपका कोटि कोटि आभार और बहुत बहुत स्वागत है। 5 और 1 6 स्टॉक पैनी शेयर, और आपको मैं बता दूं, रोज बोलता था, आज मैं फिर बोल रहा हूं। क्यों बोल रहा हूं कि जिसके पास भी है और जिस प्राइस में है दोस्तों, अगर जिस प्राइस में खरीदे हैं आप, अगर आप उस प्राइस से नीचे है आज के डेट में, जी अगर आज के डेट में जिस प्राइस में खरीदे हैं, अगर उस प्राइस में नीचे में है अगर आपका, तो आप जान लीजिए कि ये मौका बार बार नहीं आएगा दोस्त। और ये मौका इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, इंट्राडे टेक मुंबई एमबीए बीके सिंह प्रण किए हैं कि आपको कभी भी नुकसान नहीं होने देंगे। 6 शेयर जिसके पास भी है, ये आपको उल्टा दिखता होगा लेकिन दिखता जरूर होगा। चलिए मैं बोल देता हूं, नहीं दिखता है तो सभी के सभी 5 शेयर पैनी शेयर जिसके पास भी है दोस्त, कभी भी आप मत बेचिएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि एक ना एक दिन सभी आपको कम से कम 10 गुना ये आपको देगा। और उसमें से एक हमने बताया था कि जिसकी किस्मत में होगा ये स्टॉक खरीद सकता है, उसी को मिल सकता है। और मिलने के बाद अगर आप जल्दीबाजी करेंगे दोस्तों, तो ज़्यादा कमाई नहीं, कमाई तो करेंगे लेकिन ज़्यादा नहीं कमाई कर पाएंगे। इसलिए कि ये स्टॉक आज मिट्टी के भाव में है, जी हाँ, और ये 2.75 रुपया का ये स्टॉक था। एक सप्ताह पहले आपको मैं ये एडवाइस किया था, राज रायन लिमिटेड, ये FMCG सेक्टर का स्टॉक है, और ये स्टॉक आपको जरूर अपने रडार पर रखना चाहिए। आप भी एनालिसिस कर लीजिए, जितना पैसा है आप उस हिसाब से लेते रहिए। राज रायन, और दूसरा रेलवे का सबसे सस्ता और पैनी स्टॉक इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, और ये स्टॉक आपको चक्कर लगाएगा, और चक्कर लगाने के बाद आपको ये बताएगा कि हम आपको क्या दे सकते हैं। आपको अमीर और धनी बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन राज रायन, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा कि ये दिन तारीख महीना, फिर आपको मैं ये तीसरी बार मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, अगर आप नहीं लिए तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं, इसलिए कि पैसा आपको लगता है, प्रॉफिट आपको होगा। ये नहीं कहना दोस्त कि हमने बताया नहीं, राज रायन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन IRFC के बारे में कौन नहीं जानता। 5G सेक्टर का सबसे सस्ता और पैनी शेयर जब अपर सर्किट लगाना शुरू करेगा,
तब आपको उस समय नज़र आता है कि अरे लिए रहते। जो इंतज़ार करेगा स्टॉक मार्केट में दोस्तों, जो इंतज़ार करेगा, पेशेंस रखेगा और इन्वेस्टर बनेगा, वही पैसा कमाएगा स्टॉक मार्केट में। जी हाँ, और मैं आपको बता दूँ तीसरा स्टॉक्स, मैं बोलता था जब ये 7 रुपये का प्राइस था कि लेकर रख लीजिए, ये PSU का स्टॉक है। जी PSU का स्टॉक है, IFCI, चार तीन हो गया। और कुछ लोग कमेंट करते थे कि सर क्या होगा, सीमेंट सेक्टर का पहली शेयर और सबसे सस्ता शेयर, एक साल इंतज़ार कीजिए इस स्टॉक को। अल्ट्राटेक जो सीमेंट स्टॉक से अल्ट्राटेक सीमेंट, उस सेक्टर में ये काम करता है। और ये अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक समय ऐसा ही था दोस्तों, इसलिए कि जब भी कोई स्टॉक जैसे कि 1050 रुपये का स्टॉक था HDIL, ₹1.75 का 2 साल पहले हो गया था, साल भर पहले 4 रुपये के आसपास था। तो साल भर पहले ही हम आपके सामने आए हैं, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है इस चैनल को, तब से हम बताते आ रहे हैं HDIL जब अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाना शुरू करेगा तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो ले कर रखे, जो ले कर रखेगा, जो इंतज़ार करेगा दोस्तों, ये बिजनेस है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना का मतलब आप उस कंपनी में शेयर हैं, आप उसके उतने हिस्से का मालिक हैं। HDIL की बात इसलिए कर दिए, इसलिए कि इस वीडियो में सिर्फ 5 ही स्टॉक के बारे में हमने बताना है। और सीमेंट सेक्टर जो मैं बता रहा हूँ आपको, आंध्रा सीमेंट को बार बार इसलिए बोलते हैं कि ये सीमेंट अल्ट्राटेक SCC और सीमेंट सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक है, श्री सीमेंट, JK सीमेंट, और ये सभी के सभी स्टॉक्स जो है इसके पीछे पीछे, इसलिए कि सस्ता जब कम पैसा लगाएंगे। देखिए मज़ा तो स्टॉक मार्केट में तब है कि ऐसे स्टॉक को पकड़ा जाए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए दोस्तों। भले आप 100-100 स्टॉक 500-500 रुपया 5-5 रुपया का हिसाब, 2-2 रुपया 3-3 रुपया 10 रुपया से नीचे का जो स्टॉक है, 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाइए, रोज़ आपको डेली कमाई करके देगा। ये मेरा वादा है, मेरा 100% मेरी ये स्ट्रेटेजी, मेरा जो प्रेडिक्शंस है, जो संभावना हम आपको व्यक्त कर रहे हैं, 100% 50 स्टॉक का जो पोर्टफोलियो बनाएगा आज के डेट में कमाई करेगा, और आने वाले 5 साल बाद वही कमाएगा जिसके पास 50 स्टॉक का पोर्टफोलियो होगा, चाहे वो न्यू बिगनर हो, छोटे इन्वेस्टर हो या बड़े इन्वेस्टर हो। जी हाँ, और सभी लोग बनाना शुरू कर दिए, हमने भी कंप्लीट कर लिया है, लगभग थोड़ा सा और स्टॉक बाकी है, उसकी हम सर्च कर रहे हैं जो हम आपको बताते जा रहे हैं। उसमें से एक राज रायन है जो हमारे पोर्टफोलियो 50 पोर्टफोलियो में रहेगा, IRFC रहेगा। वोडाफोन आइडिया तो पहले से है दोस्तों, और ये वोडाफोन आइडिया के बाद एक स्टॉक और है जो हम आपको बता दें, राज रायन हो गया, IFCI हो गया, आंध्रा सीमेंट हो गया, IRFC हो गया, वोडाफोन आइडिया हो गया, और 2 स्टॉक और रख लीजिए। ये केमिकल सेक्टर का स्टॉक है, और एक केमिकल सेक्टर का स्टॉक मैं बार बार कहता हूँ, ये स्टॉक आपको हर 2-3 दिन में कमाई करके देता है, हर 2-3 दिन में, और इतना कमाई के देता है, जिस स्टॉक को पकड़ लिए वो इंट्राडे, देखिए 5 फायदे हैं,
50 शेयर का पोर्टफोलियो बनाने में 5 फायदे हैं दोस्तों, और 5 फायदे क्या क्या हैं वो मैं आपको चलिए इस वीडियो में बता दें। पहला नंबर कि उस 50 पोर्टफोलियो में हर दिन आपको कमाई उन 50 में से 10 तो मेरी गारंटी है, मतलब 20% उसमें शेयर 50 में से 50 का 20% होता है 10, 10 शेयर रोज कमाई करके देंगे। दूसरा फायदा क्या है कि जो स्टॉक आपको कमाई करके जो 10 स्टॉक दे रहे हैं, एक तरफ तो उसमें वो कमाएंगे और दूसरा तरफ इंट्राडे में कमाएंगे। और तीसरा फायदा क्या है, आप 50 पोर्टफोलियो बनाएंगे तो जरूर आज कमाई करिए तो कल पक्का है कि कल भी कमाई कर सकते हैं, लेकिन जो नीचे जा रहा है, जो 40 स्टॉक जो नीचे जा रहा है उसमें जो आज जो कमाई की इंट्राडे में और 10 स्टॉक बेचकर जो नीचे गया है उसको और उस पैसे से खरीदेंगे। कैसे मल्टी कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है, यही होता है। और ऐसे ही लोग 5000 से 45000 करोड़ जो बनाए उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई, राकेश झुनझुनवाला जी। और ऐसे ही कोई नहीं जानता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में दोस्तों किस्मत साथ नहीं देता है, जो लोग किस्मत के भाग के भरोसे रहते हैं स्टॉक मार्केट में वो पैसा नहीं कमाते हैं। आप दिल से नहीं, इमोशंस की कोई जगह नहीं है स्टॉक मार्केट में। इमोशंस की जगह मतलब कि आप जिद में पकड़ लिए कि नहीं इसको तो हम पकड़ करेंगे, तो क्या करेगा कि देखते हैं कितना किस्में है दम। अब एमबीए बीके सिंह तरफ आप नहीं कर सकते हैं कि देखते हैं, रोक सके तो रोक ले। जैसे कि मैं निफ्टी बैंक सेंसस के बारे में बोलता हूँ, कल ही बोला था, आप देख लीजिए, रोक सके तो रोक ले 17525 17585 क्रैश होने से रोक लिया, नहीं रोक पाया। निफ्टी बैंक 38900 रोक पाया, नहीं रोक पाया। तो उसी तरह आप भी एक दिन कहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, पढ़िए और जो मैं बताता हूँ उस रास्ते पर चलिए। चलिए चौथा प्रॉफिट फायदा क्या है 50 पोर्टफोलियो बनाने से। चौथा फायदा ये है कि आप जब पैसा ज़्यादा बढ़ता रहेगा उस क्वांटिटी में, हो सकता है कि वो बोनस दे दे, डिविडेंड दे दे, और तब आपका शेयर जो 100 शेयर लिए हैं 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए इस वीडियो। मेरा गारंटी है कि आपका नुकसान नहीं होगा। 50 पोर्टफोलियो बनाकर फिर देखिए ये चुटकी का कमाल।